हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ द परफेक्ट वे टू स्प्राउट मोट बीन्स, जो है मटकी। तो मोट बीन्स बहुत ही न्यूट्रिशियस है एंड उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स है एंड उसमें विटामिन बी, जिंक, आयरन एंड कैल्शियम भी होता है। तो हम मोट बीन्स को धो के उसको सोक करेंगे ओवरनाइट। अराउंड 8 से 9 घंटे हम इसको सोक करेंगे। सोक करने के बाद नेक्स्ट डे आप उसको उस पानी को निकालिए एंड उसके बाद एक लिड से उसको कवर कीजिए। एंड देन आप अगर देखोगे 7 से 8 घंटे के बाद तो आपके मोट बीन्स जो है मटकी, उसको स्प्राउट्स आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको स्प्राउट्स आ गए हैं। तो ध्यान में रखिए, अगर आपको लगा कि स्प्राउट्स अच्छे से नहीं आए हैं तो आप इसको थोड़ी देर और रख सकते हो। तो मैंने उसको 7 से 8 घंटे रखा है, आप उसको थोड़ी देर और रख सकते हो। तो आप ये मोट बीन से बहुत सारे वैरायटी बना सकते हो, जैसे स्प्राउट्स, मटकी की सब्जी या फिर मिसल। मैंने चूज़ किया है मिसल पाव बनाना, तो इसके लिए मैंने ये मटकी को प्रिपेयर किया है। तो उसके लिए मैंने उसको कुकर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीटियाँ ही देने वाली हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको सोक करके रखा था। उसमें मैं पानी डाल रही हूँ, लाइक 2 से 3 ग्लास ज़्यादा ही डालना है हमें। एंड इसमें मैं थोड़े से हल्दी डालूँगी क्योंकि थोड़ा सा कलर आने के लिए। एंड ज़्यादा मसाले हम नहीं डालेंगे जब हम कुकर में उसको पकाते हैं। मिसल पाव बनाने की रेसिपी मैंने अगले वीडियो में डाली है, तो आप ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।